देखिए, इस शहर में समस्याएं तो बहुत है, लेकिन आपका क्वेश्चन है तीन बड़ी समस्याएं। सबसे बड़ी समस्या तो इस यहाँ पे अपने यहाँ ट्रैफिक की, क्योंकि मैं डेली आता हूँ, घर से यहाँ पहुँचता हूँ, रास्ते में टेम्पो वाले जो इंक्रोचमेंट कर रखते हैं, जिसकी वजह से हम लोगों की गाड़ियाँ इवन एम्बुलेंस तक फंस जाती हैं, लेकिन शासन उनकी तब ध्यान नहीं देता है, चौराहे पर पिकेट वाले ध्यान नहीं देते, और हम लोगों को बहुत बड़ी समस्याएँ। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर जो है, ठंड के मौसम पर अलाव का न लगना, क्योंकि डेली हम पेपर में पढ़ते हैं कि कहीं ना कहीं पे कोई इस तरह से कैजुअलिटीज़ हो रही हैं, लेकिन शासन उनकी तब ध्यान नहीं दे रहा, पैसा आता है लगता खा जाते हैं। और तीसरी जो एक और जो सबसे बड़ी समस्या है, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इस शहर के अंदर या पूरे देश की या अपने प्रदेश की भी, मेडिकल से संबंधित सबसे बड़ी समस्या है, जो मेरा अपना मानना है। क्योंकि मेडिकल की फैसिलिटीज़ जो यहाँ पर एक फाइव स्टार होटलों की जो की तरह से जो हॉस्पिटल्स काम कर रहे हैं, अगर वही फैसिलिटी हमारे गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स भी प्रोवाइड करने लगे, तो हम लोगों की बहुत बड़ी समस्याएं कम हो सकती हैं, गरीब आदमी को अच्छी तरह से उसका मेडिकल कराया जा सकता है, उनका इलाज हो सकता है। जिम्मेदार शासन है, हम आप हैं, क्योंकि हम लोग अपनी बात को सही ढंग से रख नहीं पाते हैं, और अगर रखते भी हैं तो डंडे के बल पे हम लोगों की बातों को दबा दिया जाता है, चाहे मेडिकल से समस्याएं हो, चाहे अगर हम लोग इंक्रोचमेंट को लेकर के बात करें, और चाहे ट्रैफिक को लेकर के बात करें। अगर ट्रैफिक पे हम खड़े होकर पुलिस वालों से इतना ही कहेंगे कि देखिए लोग रोके हुए, टेम्पो वाले आगे इंक्रोचमेंट किए हुए हैं, हम लोगों की गाड़ियों को पास आउट नहीं होने दे रहे हैं, तो वो हम ही लोगों को उल्टी बात करके और कह देते हैं आप लोग आप निकल जाइए, तो वो बात नहीं सुनते हैं। तो निश्चित रूप से जिम्मेदार जितने शासन है उतने ही जिम्मेदार हम भी हैं। मैं सबसे कहना चाहता हूं अपने सभी लोगों से, यहाँ पे नगरवासियों से, कि अगर इसके संबंध में हम लोगों को एक जन आंदोलन चलाना चाहिए, और मैं अपनी संस्थाओं से भी कहना चाहता हूं, क्योंकि बाहर का मैं पूर्व पदाधिकारी महामंत्री रहा हूं, तो मैं अपनी संस्थाओं से भी कहना चाहता हूं कि जन आंदोलन होना चाहिए, जिसमें नगरवासी हम लोगों का साथ दें, तो निश्चित रूप से इस समस्याओं से हम लोग अच्छी तरह से निपट सकते हैं।